नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ आर्ट में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी का त्यौहार हम सब भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आपको जान लेना चाहिए कि जन्माष्टमी के त्यौहार पर कुछ खास तरीके से कान्हा जी की पूजा पाठ करके अच्छा फल व पुण्य कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी के कष्ट व दुखों को भी दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्र पक्ष के महीने को कृष्ण पक्ष के अष्टमी की मध्य रात्रि अत्याचारी मामा कंस के विनाश के लिए मथुरा में जन्म लिए थे। इस दिन भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इन दिन को हम भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, ठीक। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी के त्यौहार पर कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। खास बात तो यह है कि पांच राशि के लोगों को खास लाभ होगा, क्योंकि जन्माष्टमी पर 27 साल बाद महासंयोग बन रहा है। आइए एक एक करके इस राशियों के बारे में जानते हैं। जन्माष्टमी पर घर लाएं 7 चीज़ें, कभी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले जानते हैं जन्माष्टमी के त्यौहार पर क्या क्या घर जरूर लाना चाहिए। जन्माष्टमी 11 को भी है, 11 अगस्त को भी है, 12 अगस्त को भी है। जन्माष्टमी के त्यौहार पर इस बार कोरोना संकट के बीच जन्माष्टमी पर शायद पहले जैसी रौनक ना देखने को मिले, लेकिन इस त्यौहार पर आपको 7 चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए जो घर में सुख समृद्धि लाती है। इन चीज़ों का जिक्र महाभारत में श्री कृष्ण ने खुद की है युधिष्ठिर के साथ। आइए जानते हैं इन 7 चीज़ों को। पहला है चंदन। घर में चंदन का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। उसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलता है। सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ में भी चंदन का विशेष महत्व है। दूसरा है बीड़ा। घर के किसी शांत एकांत स्थान पर बीड़ा भी रखना चाहिए। बीड़ा हर घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। इसे घर लाने से अपने आप आपकी परेशानी का हल होने लगता है। घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तीसरा है गाय के दूध से बना घी। भगवान श्री कृष्ण ने को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि गाय के दूध से बना घी घर में जरूर रखना चाहिए। घी से हमें शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी घी का विशेष महत्व होता है। चौथा है शहद। अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इस जन्माष्टमी इसे ज़रूर खरीद लें। घर में शहद रखने से वस्तुओं के कई दोष शांत होते हैं, साथ ही पूजा में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है। इन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिनके घरों में रोज पूजा पाठ की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। पांचवा है शीतल जल। घर में हमेशा साफ सुथरे जल का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में आए मेहमानों का स्वागत शीतल एवं ठंडे जलों से करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के कई सारे दोष दूर होते हैं। इंसान के सर से संकटों का भार कम होता है। छठा है बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी जिस घर में होती है वहाँ धन और प्रेम की कभी कमी नहीं होती। बांस की बांसुरी घर में रखने से गृह क्लेश की समस्या दूर होती है।
सातवां है बाल गोपाल। यदि आप संतान सुख को लेकर चिंतित हैं तो घर की दीवारों पर बाल गोपाल की तस्वीरें व लगा सकते हैं। इससे लगाने से मन की मुरादें पूरी हो सकती हैं।